पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके में सुमित नामक शख्स की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए 3 आरोपी वसीम, शकील और इंद्रजीत हैं, जिन्होंने सुमित नामक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार सुमित अपने पिता के साथ शिवपुरी में दुकान चलाते थे और ब्याज पर पैसे देने का भी काम किया करते थे। मृतक सुमित ने ही वसीम नामक शख्स को ब्याज पर काफी पैसे दिए हुए थे। सुमित लगातार वसीम से पैसों की मांग कर रहा था। आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची और उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए स्कूटी भी जला दी। 8 या 8:20 तक ये समय था, उसको कोई वसीम नाम के बंदे ने फोन करके बुलाया था कि भाई सुमित पार्टी है, आना है आपको, जैसा उसकी मतलब घरवाली भी बता रही है। तो ये वसीम नाम के बंदे ने बुलाया इसको, तो ये 8:20 पे वहाँ से ये निकल गया। कितनी तारीख की बात है ये? 30 तारीख की बात है। ठीक है सर, फिर अब मैं 9:35 में मैंने अपनी दुकान बढ़ाई, फिर मैं आया दुकान पुराने घर मैं, फिर वहाँ से देखा कि सुमित नहीं है इधर, तो मैं फ़ोन उसको मिलाने लग गया सर कि मुझे यहाँ हरिद्वार आना था। ठीक है, तो फ़ोन मिला रहा, फ़ोन की बेल जा रही है सर, बेल जा रही है, फिर फ़ोन उठ नहीं रहा है, बेल बजे जा रही है, उठ नहीं रहा है। आप ये बताइए, आपको वसीम ने बुलाया, वसीम कौन था, क्या था वसीम? वसीम कुछ पैसे वैसे के लेन देन के लिए बुलाया था, जिसकी पैसे लिए थे क्या? पैसे फाइनेंस का काम था तो पैसे लिए थे। यहाँ से तो बता रही हूँ 50,000 लेके गया था वो, और 50,000 शायद पहले भी दे रखे थे। ठीक है, तो और उसने भाइयों को दिलवा रखा था, दानिश वगैरह को। मेरे दामाद हैं अमित, ये सुमित ठाकुर जी, इनका पैसे का लेन देन चलता है, फाइनेंसर हैं ये, फाइनेंस का काम चलता है, और वसीम से भी लेन देन में ही इनका काम चला था, जिसके कारण ये इनके साथ ये ट्रेजेडी घटी है। अब घटी है लेन देन में घटी है या किस बुत पर घटी है या किसने क्या है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा खुलासा हो, किसने कराया है नहीं कराया वो बात की बात है, लेकिन इस पे हमारे मेरे दामाद को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, इस परिवार को पूरा वो मिलनी चाहिए। नहीं था, बस ज़्यादा चोट लग गई तो डंडे से मारा। कैसे था? कैच के लिए था। 4-5 महीने सर डंडे से मारा। डंडे से? मैंने सर एक डंडा मारा, फिर ये डंडा ना मारते चलेगा सर पे, वो जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।